तो हेलो गाइस, कैसे हो आप? तो आज हम खेल रहे हैं GTA 5, और लॉस्ट सिटी में पता नहीं कौन डॉन आया हुआ है, तो उसने हमें बुलाया है ट्रेवर को बोल के। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ट्रेवर ने ही बोला है हमारे बारे में कि ये हमारा साथी है माइकल, और आई थिंक ये लग रहा है मुझे। तो पता नहीं डॉन को क्या काम है, अपन तो चल लेते हैं। और मैंने सुना है कि डॉन ऐसा वैसा डॉन नहीं है, बहुत ख़तरनाक डॉन है, तो अपन को ना चाह कर भी मतलब उसके घर पर जाना पड़ेगा। फटाफट यहाँ से गाड़ी निकाल लेता हूँ मैं, क्योंकि देखिए यार अपन को मालूम नहीं कैसा क्या डॉन है, तो अपन कोई रिस्क नहीं ले सकते, तो अपन को फ़िलहाल तो जाना पड़ेगा गाइस। ठीक है, तो अपन फटाफट उसके घर पे चल लेते हैं, और जो भी मसला होगा उधर उधर सलटा लेंगे, जो भी होगा। देखते हैं पहले कौन डॉन आया हुआ, पहले वो तो देखा अपन। ऐसा ही वैसा ही है कि बहुत पोची हुई चीज़ है। फिर उसके घर पर जाते हैं अपन, फटाफट देखते हैं कैसा क्या घर है। आई थिंक यही घर है उसका। और यहाँ पर भाई बंदे तो लगे हुए हैं, दो बंदे यहाँ पे हैं। इसका रास्ता कहाँ से है? दो बंदे यहाँ पे हैं, और बड़ा तो बंगला है भाई इसका, बहुत बड़ा बंगला है। दो बंदे यहाँ पे और हैं, यहीं पे रोक देता हूँ, यहीं चल लेता हूँ अंदर, यहाँ पे लगा देता हूँ गाड़ी। फटाफट उतरते हैं, अंदर जाते हैं, डॉन से बात करते हैं क्या काम है उसको। गाइस तो हम अंदर तो आ गए हैं, आई थिंक ऊपर है डॉन भाई साहब। लेकिन इसका लग्जरी कार्स, क्या क्या लग्जरी कार्स है गाइस, बहुत बढ़िया भाई। सामने बुकाटी है भाई साहब, मॉन्स्टर ट्रक, लैम्बोर्गिनी, बहुत तगड़ी तगड़ी गाइस। इसके कार्स है, ऊपर मस्टैंग खड़ी है गाइस, मेरी फेवरेट मस्टैंग। वाह भाई साहब, कोई नहीं अपन तो इससे बात करते हैं सबसे पहले, इसको क्या काम है अपन से। तो यार गाइस, मैंने डॉन से बात करी और डॉन ने मुझे बोला कि मिलिट्री एरिया में आज रात को एक गाड़ी आने वाली है, पता नहीं कोई सुपर कार है, लग्जरी कार है, बहुत बहुत लग्जरी कार है गाइस, उसने मुझे बोला। और फटाफट जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि उसने मुझे ये भी बोला कि तुम्हारी फैमिली मेरे कब्जे में है। तो देखो यार, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, मैं तो फटाफट जाता हूँ, फिर इसको बाद में देखूँगा, डॉन को, डॉन के बच्चे को। साला पता नहीं क्या समझ के इसने मेरी फैमिली को किडनैप कर लिया है, मुझे आइडिया नहीं है। बाकी ये बहुत ख़तरनाक आदमी है, मुझे फटाफट जाना पड़ेगा। और फटाफट वो पता नहीं, मुझे लोकेशन भी इसने दी नहीं है, अभी देखते हैं ड्राइवर को। इसने बोला है ड्राइवर को कि ड्राइवर को दे दूंगा मैं, तुम चले जाओ। तो अपन तो फटाफट जाते हैं, रास्ते पे अभी थोड़ी देर में अपन को लोकेशन मिल जाएगी। तो गाइस देखो, ऐसा है कि ना वो है ना एक मिलिट्री एरिया है गाइस, ठीक है। अब कैसा क्या है मिलिट्री एरिया मुझे इतना मालूम नहीं है, बहुत बड़ा है कि छोटा है, बट मुझे कैसे भी करके वो गाड़ी है ना निकालनी पड़ेगी वहाँ से। और बोल रहा है कि रात को आएगी, तो मैं देखता हूँ ये चूतिया तो नहीं बना रहा मुझे। देखते अपन रात तक वेट करते हैं, देखेंगे रात को एरोप्लेन वेरोप्लेन, बोल रहा है कि एरोप्लेन से आने वाली गाड़ी कोई सी, तो अपन देखेंगे रात में उधर ही रुक के कि आ रही कि नहीं आ रही, कैसे ही बना रहा है चूतिया हमको, कि हमको मरवाना चाह रहा है, मुझे तो आइडिया नहीं है। बट अपन को लोकेशन मिल गई गाइस, तो अपन तो चलते हैं फटाफट और देखते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो देखो गाइस, अभी तो हम हाईवे पर पहुँच गए, ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत टाइम से ड्राइव करते करते शाम तक हो गई है, और रात में आने वाली गाड़ी, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है किस टाइप की गाड़ी है और कैसी क्या सिक्योरिटी रहेगी अंदर। बाकी मिलिट्री एरिया है तो मुझे थोड़ा देख के चलना पड़ेगा। तो गाइस ब्रिज पे आ गए हम, और थोड़ा ही दूर है, मतलब ज़्यादा भी दूर नहीं है लोकेशन अपन को। और मैं सोच रहा हूँ कि यार ये गाड़ी मतलब रेंज रोवर से जाऊँगा तो यार पकड़ा जा सकता हो, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार काम करूँ। तो देखो गाइस, मुझे भरोसा नहीं है कि कैसा क्या है, पहले अपन जाते हैं उधर, देखते हैं कि कैसा क्या है इलाका है, उसके हिसाब से अगर अगर रेंज रोवर ले जा सकता हूँ तो ले जाऊँगा, बिल्कुल ले जाऊँगा, अंदर ले जाऊँगा, फटाफट गाड़ी लेके आ जाऊँगा। लेकिन उससे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि गाइस कैसा क्या इलाका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जाते हैं, देखते हैं, पूरी माहिती लेते हैं अपन, क्या है क्या नहीं है, इसके बाद फिर अंदर ढाबा बोल देंगे। तो फटाफट तो अपन जाते हैं, और साइड में ही है आई थिंक, हाँ इधर ही है, इस तरफ चलते हैं अपन फटाफट। भाई साहब ये तो मुझे नहीं लग रहा गाइस, छोटा मोटा इलाका है, यहाँ तो प्लेन उतरा है, एक उतर रहा है ऊपर से, बाकी इसमें नहीं है वो गाड़ी, मुझे लग रहा है ये तो वो वाला प्लेन है गाइस, इसमें नहीं होगी गाड़ी। तो अपन चल लेते हैं धीरे धीरे गाइस। देखो मैं एकदम से नहीं जा सकता, क्योंकि भरोसा नहीं है कैसा क्या इलाका है ये, और सिक्योरिटी भाई मुझे लग रहा है बहुत ख़तरनाक वाली सिक्योरिटी हुई है अंदर। ये तो भाई, ये तो पूरा का पूरा वही है, कैंप है, तो पूरा मिलिट्री कैंप है गाइस। भाई साहब,
तो गाइस मैं तो ऊपर आ गया हूँ, यहाँ से फटाफट स्कोप लगा के देख लेता हूँ कि कहाँ है, कहाँ बंद है, कहाँ नहीं है। भाई साहब तो पूरा पूरा मिलिट्री एरिया है, इसमें से गाड़ी कहाँ ढूंढूँ और कहाँ से लेके आऊँगा मैं। देखो गाइस मैंने सब कुछ देख लिया है कि कैसी क्या सिक्योरिटी है। मैंने ड्राइवर को फ़ोन लगा दिया है, ठीक है। ड्राइवर को मैंने बोल दिया कि भाई मिलिट्री वाली गाड़ी लेके आ, क्योंकि मैं ये गाड़ी लेके तो बिल्कुल नहीं जाने वाला हूँ। और मैं चाहूँगा ना भाई ये गेट से ठोक देंगे मेरे को पूरा का पूरा। तो मैं ना ये कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, कि मेरी फैमिली पूरी कब्जे में है डॉन के। तो मैंने उसको बोला ड्राइवर को फटाफट गाड़ी लेके आए यहाँ पे मिलिट्री की। और गाइस वेट करते करते पूरा रात हो गई है, अपन फटाफट अंदर बैठते हैं गाड़ी के अंदर। अब पता नहीं कब तक आएगा, पूरी रात कर दी इसने तो। यही थोड़ी पीछे पार्क कर देता हूँ गाड़ी, मेरे लाइट बंद कर देता हूँ, नहीं तो भाई पता नहीं कोई आ गया तो पीछे बना देगा अपनी। तक आएगा भाई ट्रेवर? आई थिंक आ गया ट्रेवर। ट्रेवर ही कौन है यार ये? भाई मिलिट्री का बंदा हुआ ना तो पिक्चर हो जाएगी यहीं पे। अरे यार कौन है ये ट्रेवर ही कौन है? आई थिंक ट्रेवर ही, ट्रेवर ही, ट्रेवर ही है। फटाफट भाई ने बीच में गाड़ी लगा दी है, पूरा पागल है। इसको साइड में लगानी चाहिए था, पर फटाफट बात करते हैं इसको, उसको बोलता हूँ साइड में गाड़ी लगा भाई पहले। तो भाई मैंने इसको बोल दिया है कि तू गाड़ी ले जा मेरी फटाफट, और मेरे घर पे जाके पार्क कर देना, और बाकी तुझे बाकी की बात सब प्लान में बता दूंगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने इसको बोल दिया है, अब यहाँ से जाए भाई फटाफट। सच में यार भाई ये पूरा ड्राइवर पूरा पागल मुझे लग रहा है ना, इसने ही बताया उसको डॉन को। ओ गाइस वो प्लेन देख रहे हो, अभी आया कि जा रहा है ये आइडिया नहीं मुझे, अभी आया कि जा रहा है। ड्राइवर को बोल दिया मैंने फटाफट जा, हमें घर पे पार्क कर देना गाड़ी, अपन यहाँ से निकलते हैं और थोड़ा ऊपर देख लेंगे एक बार, ऊपर जाके कैसा क्या है माहौल। अभी अपन जा नहीं सकते गाइस, मेरे को सुबह तक का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं देखना पड़ेगा कि सच में भी कोई गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही है। तो गाइस मैं तो ऊपर आ गया हूँ, एक और प्लेन आया है कोई सा, अभी सुबह तक वेट करना पड़ेगा गाइस। फिर भी इसमें हो सकती है गाड़ी, आइडिया नहीं है मुझे। मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, यहाँ पे बहुत प्लेन आ रहे हैं, और एक कार्गो शिप भी आया था, तो मुझे लग रहा है कार्गो शिप में ही हो सकता है अपनी गाड़ी। मुझे कोई वेट नहीं करना है अब, मैं सोच रहा हूँ बस सुबह जल्दी होए तो फटाफट निकलूँ यहाँ से गाड़ी लेके। तो देखो गाइस मुझे भरोसा नहीं है बिल्कुल भी कि डॉन कैसा क्या आदमी है और क्या कर सकता है। तो मुझे ना मतलब बहुत जल्दी करनी पड़ेगी जो भी है। उसने मुझे एक दिन का टाइम दिया था और ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है हमारा टाइम। तो फटाफट अपन तो सुबह हो गई गाइस, तो धीरे धीरे लेके जाता हूँ मैं गाड़ी आगे। क्योंकि देखो गाइस मुझे भरोसा नहीं है कि यहाँ पर सिक्योरिटी होएगी कि नहीं होएगी, बट अंदर है एक बंदा। चलो छोड़ो अपन तो जाते हैं, कोई नहीं तो देख नहीं रहा है, अपन फटाफट अंदर चले जाते हैं। देखो गाइस ये गाड़ी अपने पास है ना मिलिट्री की, तो अपने को कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपन फटाफट जाएंगे ढूंढेंगे और फटाफट गाड़ी लेके निकल जाएंगे यहाँ से। बाकी बस ये है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्गो शिप लेके उड़ जाओ तो मैं, बाकी यार शिप लेके उड़ूंगा तो यार बहुत पिक्चर हो सकती है। और भरोसा नहीं गाइस, शिप को मोड़ने में ही पता चला कि भाई इनने फोड़ दिया कुछ, उड़ा दिया टैंक से, तो कोई भरोसा नहीं है। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ, मुझे ना धीरे धीरे जाके देखना पड़ेगा कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। यहाँ पर तो कहीं पे भी नहीं दिखी मुझे अभी तक गाड़ी, ना कार्गो शिप दिखा है, पता नहीं कहाँ छुपा के रखी इनने। कोई आइडिया नहीं है मुझे कि कहाँ रखी और कहाँ। ये देखो गाइस ये मिलिट्री एरिया का टैंक जा रहा है आगे सामने ही, आई थिंक ये रहा कार्गो शिप गाइस, इसको ही देखा था रात में मैंने। ओहो भाई साहब गाड़ी अंदर है गाइस, ओ भाई साहब गाड़ी अंदर है, और यहाँ पे बंदे भी है एक दो, कोई
कोई रिस्क नहीं ले सकता गाइस। मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी को पार्क करूँ पीछे। तो गाइस मैं अंदर जा रहा था, उतने में मुझे एक बंदा दिख गया, तो मुझे यहीं पे रुकना पड़ रहा है। इसको जैसे ही निकलेगा ना गाइस, मैं फटाफट अंदर जाऊँगा और दो या तीन बंदे आई थिंक उनको मार के फटाफट गाड़ी लेके निकल जाऊँगा यहाँ से मैं। तो गाइस वो तो चला गया है, मैं फटाफट अंदर चले जाता हूँ। आई थिंक बुरा बंदा उधर है शायद, फटाफट यहाँ का कवर ले लेता हूँ मैं। तो गाइस मेरे पास लॉन्ग रेंज की गन है बट उसमें साइलेंसर नहीं है, तो मैं उससे मार नहीं सकता। अगर मैं मारूंगा तो भाई पता चल जाएगा सबको। तो मुझे, मैं सोच रहा हूँ कि ना इसके पास जाओ और इसको पास जाके मारो थोड़ा सा। यहाँ से नहीं मार सकता मैं क्योंकि यहाँ से कोई मिल नहीं रहा मुझे ढंग से एम, तो मैं मारूँ यहाँ से, मुझे पास जाके मारना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा रुकता हूँ मैं। कहाँ ये? अच्छा हो रहा, ये जैसे पीछे जाके, पीछे जाएगा ना उस तरफ, जाके थप्पा मार दूंगा इसको। बस पीछे जाए एक बार, ये जा रहा है, जा रहा है। आई थिंक धीरे धीरे जाता हूँ, दूँ क्या यहाँ से, जल्दी जाना पड़ेगा। हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा, रुक तेरी तो रुक, इसे देता हूँ इसको तो रुक। ये दिया, और कोई भी गया यहाँ पे? ये क्या था? अरे गाइस एक और, एक और, एक और, एक और, एक और, एक और है, देना पड़ेगा। और यार मिस हो गया, अब नहीं होगा ये, ले तेरी तो। एक और, बहुत बढ़िया। तो गाइस हमने तो मार दिए, दो बंदे थे यहाँ पे। फटाफट मैं जाता हूँ और गाड़ी को लेता हूँ और निकलता हूँ यहाँ से, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाहता होगा इसमें। भाई गाड़ी तो एक नंबर है भाई, साफ मर्सिडीज़ की है भाई, कॉन्सेप्ट का रहे गए आई थिंक। हाँ तो गाइस यहाँ तो भाई गाड़ी लेते ही पता नहीं किसको पता चल गया, शायद मैंने लास्ट वाले बंदे को मारा था ना, उससे ही मुझे लगता है कि पता चला है। और गाइस यहाँ पर तो भाई मिलिट्री एरिया के पूरे मतलब बंदे एकदम गाड़ियाँ वाड़ियाँ लेके स्टार्ट, मतलब मारना स्टार्ट हो गए भाई। ये देखो इसको देखो, कोई नहीं बट अपनी गाड़ी जो है बुलेट प्रूफ है, तो कोई वो नहीं बनता अपना कि गाड़ी, मतलब गाड़ी में रहेंगे तो अपन सेफ रहेंगे बट अपन गाड़ी से उतरना नहीं है। फटाफट यहाँ से निकलते हैं, भरोसा नहीं क्योंकि गाड़ी वाड़ी फोड़ सकते तो भी टैंक बैंक से। ओ भाई साहब इनको देखो, मिलिट्री वालों जाम लगा के रख दिया भाई। अरे भाई नहीं पकड़ पाओगे तुम हमको, ठीक है ना? ऐसे वैसे नहीं है, हम चोर है चोर। फटाफट यहाँ से निकलते हैं, हट साले। अरे भाई साहब यहाँ तो, ओ भाई गाइस मुझे सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि ना सामने से नहीं जाऊँ। ओ भाई बच गया, बच गया। और तेरी ये क्या है, ये क्या है? अरे भाई रास्ता तो छोड़ो सालों, निकल। गाइस इनने तो भाई पूरा जाम ही लगा दिया है ब्रिज पे, अब फटाफट निकलना पड़ेगा यहाँ से मुझे तो, कोई रिस्क नहीं ले सकता। अरे यार कोई नहीं, केन थी पानी वाली तो अपनी गाड़ी को छुआ नहीं होगा ज़्यादा कुछ, और हुआ भी होगा तो अपन उससे करवा लेंगे। बैनी से बोला था हमको डॉन ने कि बैनी के पास जाना, वो सब कुछ रिपेयर करवा देगा, बस तू मैं ना ये गाड़ी को बचा के ले आओ किसी भी करके। तो गाइस अपन को तो फटाफट अपनी जान और गाड़ी को मतलब किसी भी हाल में पहुंचाना है बैनी गैराज, और बैनी के गैराज से डॉन के पास, देन अपनी फैमिली अपने पास। इसके बाद डॉन को अपन देखेंगे बाद में क्या है क्या नहीं है पिक्चर उसकी। फटाफट तो अपन इसको गाड़ी को फटाफट पहुँचाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कच्चे रास्ते जाऊँ तो सेफ रहेगा। ये देखो गाइस उनने क्या है ना, मिलिट्री वाले ने क्या, उनको चप्पा चप्पा मालूम है, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। अरे यहाँ पे भी आ गई यार ये गाड़ियाँ भाई, मिलिट्री वाले बहुत खतरनाक है गाइस। कोई नहीं निकल जाऊँगा मैं। अरे तीन ही केस बचे वैसे मेरे, कोई इतना और लोड नहीं मेरे को, अब थोड़ी थोड़ी कम भी हो रहा है। अरे सामने से और आ गया मिलिट्री वाला भाई, फटाफट यहाँ से निकलता हूँ मैं। आई थिंक मेरे को लग रहा है कि ना, देखो यार ये फिर आ गया। मैं सोच रहा हूँ ऐसा कि ना गाड़ी को फटाफट पहुँचा दूँ या छुपा दूँ या फिर या कुछ। भाई साहब आगे नहीं, आगे रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक रुक पीछे चल, पीछे चल, पीछे चल, पीछे चल। इनके रेडार से बच जाऊँगा ना तो बच जाऊँगा मैं यहाँ से, निकाल सकता हूँ बिल्कुल आराम से गाड़ी। अगर नहीं बचा ना तो भाई पकड़ लेंगे ये। फटाफट निकल लेता हूँ मैं कि रेडार से दूर। यहीं पे रुक जाता होगा इसमें, और फटाफट बैनी के गैराज चले जाऊँगा।
और दे दूंगा भाई डॉन को गाड़ी उसकी। तो गाइस मैं तो नीचे उतर गया हूँ गाड़ी से, क्योंकि ये देखो कोई केस बेस है नहीं, ख़त्म हो गए। तो अपन अब चल लेते हैं फटाफट बैनिंग गैराज। गाड़ी की पूरी एसी की तेज़ी हो गई है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है क्योंकि बुलेट प्रूफ थी। थोड़ा बहुत आगे आगे का थोड़ा बहुत ठूका हुआ है, कोई नहीं सब सही कर देगा। तो गाइस हम बैनी के गैराज आ गए हैं, तो बैनी के गैराज जाते हैं और अपनी गाड़ी जो है उसको सही करवा लेते हैं फटाफट। पूरी गाड़ी एक से एक सही करता है इसका, कोई सी भी गाड़ी होगी ना, कोई सी भी गाड़ी लेके जाओ, कोई सी भी गाड़ी लेके जाओगे ना उसको फुल टू मतलब फुल टू मॉडिफाई भी कर देगा, और जैसा बोलोगे वैसा करके दे देगा वो। तो अपन तो बैनी के गैराज आ गए भाई, बढ़िया बढ़िया बंदा है, अपन ने भी इससे करवाया काम। भाई साहब पूरी की पूरी वैसी करके दे दी इसने गाइस। भाई साहब कोई नहीं, अपनी तो गाड़ी है नहीं, बट ये गाड़ी मुझे बहुत पसंद आ गई गाइस। ये गाड़ी तो मैं चुराऊंगा डॉन से, ये गाड़ी तो चुराऊंगा। बस बस वो मेरी फैमिली को बस कुछ ना करे, नहीं तो फिर तो भाई बहुत ख़तरनाक पंगा होने वाला है मेरा उससे। तो अपन चल लेते हैं फटाफट डॉन के घर। गाड़ी तो है भाई, ये बोलना मानना पड़ेगा भाई, गाड़ी तो है ये। मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉन है ना, उसके बाद जो भी गाड़ियाँ थी ना, आई थिंक वो ऐसे ही करके इसने ना चुरवाई हुई है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो कोई नहीं, अपन तो डॉन के घर आ गए हैं। ये कौन मरा हुआ है यहाँ पे, कुछ हुआ क्या, पंगा वंगा पता नहीं क्या हुआ है, बट कोई नहीं, अपन तो डॉन के घर आ गए हैं। अपन डॉन को गाड़ी देते हैं और निकलते हैं यहाँ से फटाफट, बहुत टाइम हो गया, रात हो गई है, उसे टाइम दिया हुआ था बस कुछ करा नहीं हो उसने। फटाफट बात कर लेते, उसको बता देते अपन क्या क्या हुआ है हमारे साथ। तो गाइस डॉन तो खुश हो गया है, बोल रहा है कि भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया है और तुम्हारी फैमिली को अगली बार कभी नहीं पकड़ेंगे, ऐसा बोला है उसने। और उसने बोला कि ये मस्टैंग है वो तुम ले जाओ, तो मेरे लिए गिफ्ट है। तो गाइस मुझे मस्टैंग बहुत पसंद थी पहले से, तो गाइस मस्टैंग मेरे पास आ गई है। कोई नहीं, मैं इसका कलर चेंज करूँगा क्योंकि कलर मुझे इसका बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सोच रहा उसका ब्लैक कराऊँ, एकदम तगड़ा कलर ब्लैक कराऊँ पूरा पूरा का पूरा। तो फटाफट अपन तो निकल लेते हैं अपने घर की तरफ। अरे यार कोई नहीं, अपन बैने की गैराज से ले लेंगे, सब कर देगा सही साठ वो। तो फटाफट अपन चल लेते हैं अपने घर, अपना घर है अपना ये रहा। तो फटाफट मैं तो निकाल लेता भाई, यहाँ से देखो रास्ते, देखो रात में ना एकदम पूरा वो हो गया है, और बहुत अभी पता नहीं 11 11 समथिंग हो गया टाइम, रात के 11 बज गए हैं, बहुत टाइम हो गया गाइस। डॉन ने मुझे रोक भी लिया था कि भाई रुको, तुमने इतना अच्छा काम करके दिया है हमको, तो रुको थोड़ा खाना वाना खा के जाओ। तो यार डॉन तो खुश, बहुत खुश हो गया गाइस, आप देख ही रहे थे उस वीडियो में, मतलब वो वीडियो मतलब वो क्लिप में भी देखा होगा आपने, बहुत खुश हो गया डॉन। अपन भी अपने घर पहुँच गए हैं, कोई नहीं बढ़िया भाई, निकलना भाई बीच में से। चलो फटाफट इसको पार्क करते हैं अपन गाड़ी को अपने, और चलते हैं फिर अंदर, बढ़िया। तो इस अगर आपको यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि आपका भाई ऐसी वीडियो अच्छी अच्छी लाते रहे, तो प्लीज़ यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना भाई के चैनल को, और जितना हो सके इतना शेयर करना। तो फिलहाल के लिए तो गुड बाय एंड टेक केयर, मैं चाहता हूँ ऐश करता और सोता और क्या। तो बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।